स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम SEO की इस वीडियो में जानेंगे कि इमेज सबमिशन हम कैसे कर सकते हैं, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑफ पेज SEO एक्टिविटी। तो दोस्तों इमेज सबमिशन अगर आपको प्रैक्टिकली करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ईजिली आप इसको कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप SEO की तरह कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग हमारे से सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी 600+ वीडियोस हैं जो कि लेटेस्ट कंटेंट के संग हैं, और इस साल 2021 में लगभग 1000 के आसपास वीडियोस, 30-35 नई सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोग कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल लेवल पे इन डेप्थ सीख पाओ। तो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें ताकि आप कुछ मिस ना करें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे इमेज सबमिशन साइट्स 2019। तो इससे क्या होता है, लेटेस्ट वेबसाइट्स जो हैं या अपकमिंग सारी वेबसाइट्स की लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी साइट्स ऑलरेडी आ गई हैं जिन पे कि हम इमेज सबमिशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं जो हमें ऐसी साइट्स, पोर्टल्स, वेबसाइट्स प्रोवाइड कराती हैं जहाँ हम इमेज सबमिशन कर सकते हैं। और इमेज सबमिशन भी एक तरीके का लिंक क्रिएशन ही होता है। तो इसमें क्या है कि आपको जिस भी वेबसाइट में, पोर्टल में, डायरेक्टरी में आप इमेज सबमिशन करेंगे उसका पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी ज़रूर देखिएगा। वो आपकी ब्लॉग या वेबसाइट से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए क्योंकि अपने बराबर या उससे नीचे की वेबसाइट पर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पर आप इमेज सबमिशन कर सकते हैं, बट आफ्टर चेकिंग देयर डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, जो कि moz.com से कराई जाती है, जिसके ऊपर हमने आपको ऑलरेडी वीडियो दे रखा है हमारे चैनल के अंदर। तो हमने कुछ दो वेबसाइट्स अभी हमने ओपन कर रखी हैं टू सेव टाइम। यहाँ पर हमने लॉग इन कर रखा है अपना, और आपने अगर इन पे अपना चैनल क्रिएट नहीं करा हुआ अकाउंट तो उस पर आप बहुत इजी स्टेप्स हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए अपनी मेल आईडी से। इसका डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी देखिए कितना अच्छा है, इसका लिंक्स देखिए कितने ज़्यादा हैं, इसका स्पैम स्कोर भी बहुत कम है। तो यही सब चीज़ें आपको देखनी है, क्योंकि जितनी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 100 वेबसाइट्स या पोर्टल्स या डायरेक्टरीज पे आपने अपना लिंक बना लिया बट उनकी DNPA ही अच्छी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसमें आपने अगर 25 से 30 पे बनाए जिनकी DA और PA बहुत ही अच्छी है तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप लो ग्रेड साइट्स पे करोगे। तो आइए मैं बताता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये फ्लिकर एक वेबसाइट है, बहुत ही मशहूर वेबसाइट है, इसके ऊपर हम आए और हमने लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद ये आप ऑप्शन देख रहे हैं अपलोड का, अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए चूज फोटो या वीडियो जो भी आप अपलोड करना चाहें, हमने क्लिक करा, यहाँ हमने सेव कर रखा है ऑलरेडी, और ये इमेज को ये हमने नाम दे रखा है रेजिडेंशियल प्रोजेक्शन गाजियाबाद, क्योंकि इमेज को नाम देना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आप नाम देंगे उसी से रिलेटेड इमेज सर्च होगा। इसको क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे, यहाँ पर देखिए इमेज का नाम आ गया, बिकॉज इसी से ही गूगल और ये सब रीड करते हैं, क्योंकि इमेज गूगल रीड नहीं करता, गूगल आपका जो नाम है उसी को रीड करता है कंटेंट को। अब यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे दोस्तों, तो हमने डिस्क्रिप्शन बना के रखी हुई है, आपको भी डिस्क्रिप्शन बनानी है। इसको हम पूरे का पूरा कॉपी करेंगे विद URL, हमने URL भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे कि वहाँ से कोई इमेज से उस साइट पे आना चाहे या ब्लॉग पे आना चाहे तो आ सकता है। अपलोड वन फोटो हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो ये अपलोड हो रहा है, प्रोसेस में आ चुका है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि ये देखिए पूरा का पूरा हमारा सेलिब्रेशन रेजिडेंसी का एक तरीके से वेब पेज बन गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारी इमेजेस आ गई हैं, ठीक है, हमारे सारी डिटेल आ गई है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिए स्क्रॉल करा हमने, अभी हमने ये इमेज अपलोड करी थी, ये हमने लिंक और ये सब कुछ पुट करा था, ये देखिए सारा का सारा हमारा यहाँ पर शो होने लगा है। अब इसको दोस्तों
हम ओके, अगर आपके कंटेंट में, टेक्स्ट में कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, कुछ स्पेलिंग या कुछ आपको गैप वगैरह में सही नहीं लग रहा, तो उसको आपको सही से मैनेज करना है जिससे एक प्रोफेशनल टच आए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, हमारा एक प्रॉपर इमेज सबमिशन हो गया, और इसको लिंक सबमिशन भी कहते हैं। इस लिंक को आप कॉपी करके रखेंगे तो जो भी वेबसाइट्स पे, एक और पे हम आपको दिखाते हैं पहले। आप जैसे ये एक हमारी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं STA.SH, इसका जो पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी है वो आप देख सकते हैं, ये भी बेहतर है। तो इस पे जब हम अपना लॉग इन करेंगे अकाउंट बनाने के बाद, तो यहाँ पर हम अपलोड फाइल्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पर इमेज को वैसे ही अपलोड करेंगे। इमेज अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिटेल, ये प्रो इमेज का नाम आ गया है, वैसे ही इमेज आ गई है। अब इमेज पर क्लिक करेंगे हम। इमेज पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर क्लिक टू ऐड डिस्क्रिप्शन, जो वैसे ही हमारी जो डिस्क्रिप्शन थी उसको फिर से हम कॉपी करेंगे और डिस्क्रिप्शन को जाके, सॉरी, डिस्क्रिप्शन को जाके हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करा और यहाँ पर रिफ्रेश करा। अब देखिए हम यहाँ नीचे आए, नाउ यू कैन सी ये हमारा लिंक बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब इस तरीके से आप हर मंथ इमेज सबमिशंस करेंगे, लिंक बिल्डिंग करेंगे, तो आपको उसका डाटा मेंटेन करना होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर हम गए और इस तरीके से आप देखिए, आपको रेगुलर बेसिस पे अपना डाटा मेंटेन करना है। उसका कारण है मेंटेन करने का कि आप किसी को रिपोर्ट करते हैं या आप अपने खुद के एनालिसिस के लिए डेटा रखते हैं, तो आपको पता हो कि किस वेबसाइट में मैंने कर रखा है ऑलरेडी, किस में मेरा जो यूआरएल है अप्रूव्ड है, किसके अंदर मेरा क्या यूजर नेम पासवर्ड है। तो ये डाटा अगर आपके पास है तो आपको बहुत फायदा रहेगा लॉन्ग टर्म के अंदर, और आपकी रिपोर्टिंग भी स्ट्रांग रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इमेज सबमिशन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे। क्वालिटी सबमिशन कीजिए, क्वालिटी वेबसाइट पे कीजिए, जिससे कि आपकी प्रोफाइल को लोग देखें और आपकी विजिबिलिटी वगैरह बढ़े। दोस्तों हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमने सब इमेज सबमिशन वगैरह करा, तो इसका एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, जो कि है आप अपनी इमेजेस को रैंक करवा सकते हो। अब होता है क्या है, जब गूगल के अंदर ये देखिए इतने सारे टैब्स आते हैं, तो अगर हमारी इमेजेस रैंक करेंगी तो कोई इमेजेस पे भी देखता है, सर्च करता है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे इमेज का नाम और हमारी डिटेलिंग वगैरह आएगी। तो ये इमेज सबमिशन भी बहुत इफेक्टिव तरीका है वेबसाइट एसईओ का, और इसको बहुत अच्छे से करना है, हर चीज़ का ध्यान रखना है, प्रॉपर नाम वाम देना है इमेज को और प्रॉपर अपनी इमेज को रैंक कराना है। तो दोस्तों आज हमने इमेज सबमिशन करना सीखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं या आप डायरेक्ट ऑफलाइन कोचिंग मेरे से लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ से आपको हमसे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।